Hi kids, welcome to your SST class, and I am your teacher and mentor Ananya, and I am back with a new lesson of your Jelly Bean series book by Brainroot Publication. Children, so far we have completed 12 chapters of your book, and today we shall begin chapter number 13. What is the title of the chapter? The title of the chapter is Environmental Conservation, yani ki हमारे पर्यावरण को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं या किस तरीके से बचा सकते हैं. ऑलराइट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज जो हम रोज़ फेस कर रहे हैं, है ना. कुछ ना कुछ प्रकृति को नुकसान हो रहा है या हमारे आसपास का जो वातावरण है वो कुछ ना कुछ तरीके से डैमेज हो रहा है. तो हम एज अ गुड सिटीजन व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट अराउंड अस. Alright, so that we and the other living beings can coexist in harmony. So let's begin the chapter. In this chapter, we shall read about what is environmental conservation. That is, we will read about the introduction about environmental conservation. Then we will be reading about the concepts of environmental conservation. Then how to control pollution. There are different kinds of pollutions that are affecting our Mother Earth. So we will also study about the ways how to like curb the problem of pollution, and then how to conserve the biodiversity. Okay. Before we do, let's do this activity. What they have asked? They have asked us to draw lines to correct bin. See, there are different kinds of dustbin. As you can see, the colors of each bin is different. Har ek dustbin ka color alag hai bachcho. To hume sahi disposable item ko sahi dustbin mein dalna hai. Alright, so let's get started. Aur har dustbin ke upar likha hua hai ki usme kya cheeze ja sakti hai. For example, blue dustbin mein plastic marked hai, to isme sari plastic ki cheeze jayengi. Aise hi जो ग्रीन डस्टबिन है वो है फॉर ग्लास, यानी कांच की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसमें जाएंगी. पेपर के लिए है ये, एंड लास्ट इज मेटल्स जो कि रेड से मार्क्ड हैं. हम अलग अलग इसीलिए करते हैं ताकि हम इजीली कूड़ा करकट अलग करके उन्हें प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज कर सके. ठीक है, सो लेट्स मैच दीज. यहाँ पे सबसे पहला जो पिक्चर है दैट इज़ अ ग्लास बॉटल, है ना, ग्लास की बॉटल है. तो वी वुड बी मैचिंग इट विद द ग्रीन डस्टबिन विच हैज़ ग्लास मार्क्ड ऑन इट. सो वी विल मैच लाइक दिस. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव पेपर कप. सो पेपर कप शुड गो अंडर द कैटेगरी ऑफ पेपर, सो दिस विल गो इनटू दिस. नेक्स्ट वी हैव अ प्लास्टिक बॉटल. सो प्लास्टिक बॉटल विल गो इन द बिन विच इज़ पर्टिकुलरली फॉर प्लास्टिक, सो दिस इज गोइंग इनटू दिस. And last is a can. A can is of metal, है ना, metal के cans होते हैं, तो that is why it will go in the metal dustbin. Okay? So in this way, different kinds of wastes have to be segregated, यानी इनको हमें अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम pollution को जितना हो सके उतना कम कर सकें. Alright? So now let's begin with the chapter. लेट्स गो थ्रू द इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ स्पैन इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स एनवायरमेंट. यानी कि जिस भी एरिया में एक ऑर्गेनिज्म रहता है, उसका पूरा जीवन बिताता है, उसके आसपास का जो वातावरण है वो एक्चुअली उसका एनवायरनमेंट है, है ना. अब एनवायरनमेंट हमें सपोर्ट भी कर सकती है, हमें अलग अलग तरीके से पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली इफेक्ट भी कर सकती है. राइट, इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. एनवायरनमेंट में आपको लिविंग कंपोनेंट्स भी मिलेंगे और साथ ही में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी मिलेंगे. These are also known as biotic and abiotic. जो living components है बेटा उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम biotic बोलते हैं. And जो non-living components है जिनमें जान नहीं होती, यानी material components, उनको हम abiotic components बोलते हैं. ठीक है,
All organisms are dependent on their environment for food, energy, water, oxygen, shelter and other needs. हम सभी अपने आसपास के वातावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं. क्यों निर्भर हैं? क्योंकि हमें खाना चाहिए, हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, लैंड चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, शेल्टर यानी घर बनाने के लिए जगह चाहिए. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम अपने आसपास के वातावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं. Undesirable changes in various components of the environment and destruction of the natural resources, we are facing so many environmental and health problems. क्योंकि कई सारे environment में day to day ऐसे changes हो रहे हैं जो कि शायद होने नहीं चाहिए या जो कि natural phenomena के against में है. यानी ये जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे वातावरण के लिए हानिकारक हैं और इसीलिए ह्यूमन लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो रहा है. जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो सभी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी वजह से परेशान हैं. ठीक है, थ्रू केयरफुल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन, दैट इज़ एयर, वाटर, सॉइल एंड लैंड, हम इनके बारे में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. Deforestation, loss of habitat and biodiversity can be significantly reduced. अगर समय रहते इन चीज़ों की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, जो समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इनको नहीं रोका गया, तो फिर हमारे लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है. आगे आने वाले समय में शायद हमें रहने के लिए जगह भी ना मिले और हम ठीक से अपनी ज़िंदगी को जी भी ना पाएं और जितना भी हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रेंज है यानी पशु पक्षी, जीव जंतु या मनुष्य ही, ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जो संख्या में, भारी संख्या में क्या होगा, इनकी मृत्यु होना शुरू हो जाएगी. दे विल स्टार्ट डाइंग एंड दैट इज़ द रीज़न वी नीड टू कीप अ चेक ऑन ऑल दीज मेजर प्रॉब्लम्स. ऑल राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. अब हमने एनवायरमेंट के बारे में तो पढ़ लिया, अब एनवायरमेंट को किस तरीके से कंजर्व करना है या ये क्या है, क्यों ज़रूरी है, वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. द टर्म एनवायरमेंटल कंजर्वेशन डिफाइंस एनी थिंग वी डू टू प्रोटेक्ट अवर प्लानट एंड कंजर्व इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. यानी कि ऐसा कोई भी काम जो हम करते हैं अपने पृथ्वी को बचाने के लिए या हमारे आसपास के वातावरण को बचाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए, उसको हम पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत बोलेंगे या फिर उसे हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बोलेंगे. इन सिंपलर टर्म्स वी कैन एक्सप्रेस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एज अ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड वे टू रिटेन डाइवर्सिटी एंड बैलेंस इन द नेचर. यानी अगर हमें इन्हें आसान शब्दों में समझना हो तो हम ये बोलेंगे कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का मतलब है जो रिसोर्सेज हमारे आसपास हमें प्रकृति ने दी हैं उनका सही इस्तेमाल करना, संतुलित इस्तेमाल करना और आसपास के सभी लिविंग और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स का देखरेख करना, इसी को हम बेसिकली एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बोलते हैं, ताकि नेचर में एक सामान्यता या फिर संतुलन बना रहे. द बैलेंस ऑफ द नेचर और द एनवायरमेंट शुड नेवर बी डिस्टर्ब इफ वी विश टू लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. ऑलराइट, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली वाइड एंड इट कवर्स सम एस्पेक्ट्स ऑफ नियरली एवरी मेजर डिसिप्लिन. The major scopes of environmental conservation are as follows: control of environmental pollution and natural resource utilization and development, यानी pollution को control करना और हमारे जो resources हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना, addressing issues related to global warming and climatic change, यानी जो भी आजकल weather में changes आ रहे हैं या climate में changes आ रहे हैं, global warming की समस्या जो काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है.
मैनेजमेंट ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, हमने इससे पहले एक चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरीके से नेचुरल डिजास्टर्स से हमें कोप अप करना चाहिए, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना, डिजास्टर मैनेजमेंट करना या सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड हैबिटेट कंजर्वेशन, यानी हम सिर्फ अपना ही घर नहीं बल्कि हमारे आसपास जो अन्य जीव जंतु हैं या अन्य प्राणी हैं उनके घर को भी बचाने की कोशिश करें. नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, कैन यू नेम टू मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक. ओके, लेट्स ऑल्सो गो थ्रू अ फन फैक्ट. अ ट्री कैन अब्जॉर्ब अप टू 48 LBS ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर. ऑलराइट, प्लांट अ ट्री रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, यानी अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए. जितना हो सके पेड़ लगाएंगे तो फिर आधी से ज़्यादा समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. वेज टू कंट्रोल पोल्यूशन, अब पोल्यूशन कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके हैं, है ना. एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने का अलग तरीका है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने का अलग तरीका है, हर एक पोल्यूशन को कंट्रोल करने का अलग अलग एक तरीका है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड ऑफ वेज टू कंट्रोल डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन. ओके, हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड क्लीन, लाइक वी शुड यूज क्लीन फ्यूल्स, वी शुड नॉट यूज एडल्ट्रेटेड फ्यूल्स. जो पेट्रोल डीजल जो भी हम यूज़ करें वो क्लीन होने चाहिए ताकि जब वो ज़्यादा स्मोक या धुआं क्रिएट ना करें. ऑल राइट, इफ़ द पेट्रोल और फ्यूल्स हैव मोर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज देन दे विल गिव आउट मोर रेसिड्यू, है ना. सच एज अनलीडेड पेट्रोल और फ्यूल्स विथ लो सल्फर एंड ऐश कंटेंट, यानी हमें ऐसे फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए जिसमें लो सल्फर हो या फिर ऐश जो कंटेंट हो वो कम से कम हो. वी शुड ऑल्सो इंकरेज पीपल टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉक एज मच एज दे कैन, यूज साइकिल विच इज़ अ इको फ्रेंडली वे टू कर्ब एयर पोल्यूशन. ऑल राइट, ताकि प्राइवेट कार्स का जो यूज़ है वो कम हो सके, क्योंकि जितने ज़्यादा प्राइवेट कार्स होंगे बेटा उतना ही ज़्यादा स्मोक निकलेगा या फिर उतना ही ज़्यादा जो है धुआं चारों तरफ वातावरण को गंदा करेगा. ओके, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एज दे रिमूव हार्मफुल एंड टॉक्सिक गैसेस, जो पोल्यूटेंट्स हैं, नॉइज है, उन सबको ये लोग प्लांट्स एंड ट्रीज क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वी शुड अवॉइड बर्निंग वेस्ट एंड लीव्स इन ओपन, यानी कोई भी कूड़ा करकट या पत्ते उनको एक प्रॉपर जगह में बर्न करना चाहिए. ऐसे नहीं कि कहीं पे भी खुले में आग लगा दी, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी आग लगा देंगे तो फिर क्या होगा, प्रदूषण भी होगा और साथ में आग फैलने का डर भी है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है. ओके, द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू परमिसेबल लेवल, यानी फैक्ट्रीज में से हार्मफुल गैसेस कितनी निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही फैक्ट्रीज़ को परमिशन मिलनी चाहिए. स्पेशली रेसिडेंशियल एरियाज़ में तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए. द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यूसली मॉनिटर द एटमोसफेयर फॉर पॉल्यूटेंट्स, हमेशा मॉनिटर करते रहना है हमें कि किस तरीके से जो है पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं. ऑल राइट, फैक्ट्रीज एंड वेस्ट डिस्पोजेबल साइट्स शुड बी सिचुएटेड आउटसाइड द सिटी अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज, यानी कि जहाँ लोग रहते हैं उनसे हमें जो है अपना जो पोल्यूटेंट्स हैं या फैक्ट्रीज का जो गंदा मैला रेसिड्यू है उसको दूर रखना चाहिए. इसीलिए वेस्ट डिस्पोजेबल शहर के अंदर नहीं होना चाहिए, शहर के बाहर कहीं दूर होना चाहिए जहाँ पे लोग कम आते जाते हों. पोल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट शुड बी यूज इन फैक्ट्रीज टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज, यानी फैक्ट्रीज में भी पोल्यूशन को जितना हो सके कंट्रोल कर सके इस सब के बारे में सोचना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा खतरनाक या हानिकारक गैस जो है वो चारों तरफ वातावरण में ना फैले. नेक्स्ट, हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन. वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अवर लाइफ, पानी के बिना तो काम ही नहीं चल सकता. हम कहते हैं जल ही जीवन है,
ठीक है ना, तो जल को बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं कैसे हम पानी को बचा सकते हैं प्रदूषित होने से। वी शुड रिड्यूस द केमिकल फर्टिलाइजर्स इन फार्मिंग, हमें जितना कम हो सके उतना ही कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। वी शुड प्रिवेंट डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट इन टू रिवर्स और सीज। आमतौर पर क्या होता है, नदी नालों में बहुत ज़्यादा गंदा पानी चला जाता है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज़ में से भी वेस्ट जा रहा है, लोग जो है वहाँ कपड़े भी धो रहे हैं, एनिमल्स को भी नहला रहे हैं, ठीक है ना, कूड़ा करकट भी फेंक रहे हैं। तो हमें इसीलिए वेस्ट जो है किसी भी पानी के एरिया में नहीं डालना चाहिए। वी शुड प्रिवेंट द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस इन टू रिवर्स। इंडस्ट्री का जो रेसिडुअल है, जो केमिकल्स है, वो रिवर्स में ना जाए, उसको भी देखना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को मेजर्स करने चाहिए। वी शुड ट्रीट सीवेज बिफोर रिलीजिंग इट इन टू द मेन ड्रेनेज चैनल। यानी जो सीवेज है, जो गंदगी है, उसको भी प्रॉपरली ट्रीट करके फिर मेन ड्रेनेज चैनल्स में पास करना चाहिए। ऑल राइट, वी शुड ऑल्सो प्रिवेंट कंस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज एंड बैकवाटर्स। जहाँ पे कोस्टल एरियाज है, यानी समुंदर के किनारे पे कम से कम कंस्ट्रक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा उतने ही ज़्यादा लोग वहाँ जाएंगे और उतने ही ज़्यादा लोग उस जगह को गंदा करेंगे, वेस्ट करेंगे। वी शुड ऑल्सो प्रिवेंट द यूज़ ऑफ केमिकल सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इन रिवर एंड पॉन्ड्स फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स और फॉर बाथिंग। ये जो लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं नदी तालाब में जाकर, उसको जितना हो सके रोकना चाहिए, क्योंकि वो सारा जो केमिकल है या वो गंदा जो पानी है या गंदगी है, वो सब उस पानी में जाकर पूरे पानी को ही दूषित कर देता है। ऑल राइट, ऑल्सो नेक्स्ट वी विल रीड हाउ टू कर्ब डाउन सॉइल पोल्यूशन। सॉइल यानी मिट्टी, लैंड पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो सॉइल को कैसे पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं। वी शुड बिल्ड कंपोस्ट पिट्स टू डिस्पोज बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। बड़े बड़े गड्ढे करके कंपोस्ट पिट बनाना चाहिए, जिसमें जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, यानी जो धीरे धीरे डिकम्पोज हो सकते हैं वायरस और बैक्टीरिया के थ्रू, उनको डाल के कवर कर देना चाहिए। ऑल राइट, इट इंक्रूजेज सॉइल फर्टिलिटी इन द लॉन्ग रन। धीरे धीरे ये जो पदार्थ है डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएंगे और मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देंगे। इसके अलावा हमें गार्बेज को कभी भी खुले में नहीं डिस्पोज करना है। वी शुड नॉट डिस्पोज द गार्बेज इन ओपन एरियाज, बिकॉज अगेन इट कैन बी डेंजरस फॉर अस। वी शुड हैव सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बिन्स। आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा कि दो अलग अलग कलर्स के डस्टबिन लगे हुए हैं। एक होता है फॉर बायोडिग्रेडेबल, जो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसमें हम केले के छिलके, वेजिटेबल पील्स, ये सब चीज़ें डालते हैं, और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें हम प्लास्टिक कैंस, बॉटल्स और ऐसी चीज़ें, मेटल्स जो मतलब डिग्रेड नहीं हो सकती, डिकम्पोज नहीं हो सकती, उनको डालते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर जगह ये प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, पर अगर आपके आसपास, आपके घर में या आपके आसपास आपको ये चीज़ नहीं दिखती, तो यू शुड हैव द नॉलेज नाउ। तो आपको लोगों को बताना है कि हमें हमेशा दो डस्टबिन रखने चाहिए, एक में डिकम्पोजेबल आइटम यानी बायोडिग्रेडेबल आइटम्स डाले जाएंगे और दूसरे में नॉन डिकम्पोजेबल आइटम यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स डाले जाएंगे। ठीक है, सी इन दिस वे, यहाँ तो चार डस्टबिन हैं, लेकिन घर में चार अलग अलग डस्टबिन रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन येस वी कैन डू द सेम इन अवर कॉलोनी। हम अगर किसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी टाउनशिप में रहते हैं या फिर किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ ये सिस्टम किया जा सकता है कि चार अलग अलग बिन्स किए जा सकते हैं। हाँ, घर के अंदर चार ऐसे अलग अलग डस्टबिन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे भी कम से कम दो डस्टबिन होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, नाउ वी शुड ऑल्सो सेट अप लैंडफिल साइट्स आउटस्कर्ट द सिटी। यानी जो डंप यार्ड होते हैं, आप कभी शहर से बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा कूड़ा जो है जमा हो रहा है। तो इसी तरह से हमें हमेशा शहर से बाहर ही डंप यार्ड या फिर जो डिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए लैंडफिल साइट्स क्रिएट करने चाहिए, ताकि वहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे डंप करें और धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो डिकम्पोज होती रहे, लेकिन जो शहर के अंदर लोग रह रहे हैं उन्हें समस्या ना हो।
we should dispose the biomedical and radioactive waste under proper regulation. रिसर्च सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या फिर कोई बायोमेडिकल केमिकल है, उसको हमें बहुत तरीके से डिस्पोज करना चाहिए ताकि उन केमिकल्स का आफ्टर इफेक्ट किसी को भी नुकसान ना दे. ठीक है, वी शुड सेट अप रिसाइकलिंग प्लांट्स टू ट्रीट द गार्बेज. और जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उन चीज़ों को रिसाइकल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि हम उन मटेरियल्स को ईजिली रिसाइकल कर सकें. ऑलराइट, नाउ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ये जो डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं यानी वाइल्ड लाइफ है, ट्रीज़ हैं, इनको कैसे हम कंजर्व करें. तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में सबसे पहले आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन. फॉरेस्ट आर वाइटल टू लाइफ ऑन अर्थ, दे प्यूरिफाई द एयर वी ब्रीथ. फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स, दे इनकरेज रेनफॉल एंड प्रोवाइड अस विद मेनी प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड फॉडर. दे आर ऑल्सो होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स. फॉरेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ये भी लाइफ को हमें सपोर्ट करते हैं. इनके बिना हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पेड़ पौधे हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देते हैं जिसकी वजह से हम जीवन प्रॉपर और अच्छी तरह से जी सकते हैं. हवा है ना, फिर प्रॉपरली बैलेंस बनाना यानी प्रकृति का संतुलन बनाए रखना, सॉइल इरोजन रोकना, वाटर साइकिल को प्रॉपरली चलाना, ये सब पेड़ों का ही काम है ना. अगर पेड़ नहीं होंगे तो छाया नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब एक अस्त व्यस्त हो जाएगा वातावरण पूरी तरीके से, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई फॉरेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स, बाढ़ को आने से रोकते हैं और सॉइल इरोजन मिट्टी को बह जाने से भी ये रोक लेते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें मजबूत होती हैं तो ये जो है पकड़ के रखते हैं कसकर मिट्टी को. दे इनकरेज रेनफॉल एंड प्रोवाइड अस विद मेनी प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, फॉडर एट्सेट्रा. दे आर ऑल्सो होम फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स. हमें तो बहुत सारी चीज़ें मिलती ही हैं जंगलों से, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये है कि ये जो जंगल हैं ये कई सारे वन्य पशु पक्षियों का घर है. हमें क्या किसी से किसी का घर छीनना चाहिए? नहीं ना. अगर हमसे कोई हमारा घर छीन लेगा या हमें हमारे घर से निकाल देगा तो हमें बुरा लगेगा ना. इसी तरह से जन्य जीव जंतु पशु पक्षियों का भी अगर हम घर छीन लेंगे तो ये भी उनके प्रति एक अन्याय है. दिस इज़ रॉन्ग. सो वी शुड ट्राई टू कंजर्व द फॉरेस्ट एज मच एज वी कैन. Forest conservation initiatives like urban forestry and rural forestry have been taken up by the government of India. Urban forestry is related to management of trees in public lands like parks and roadsides. Urban forestry का मतलब होता है अब शहर में तो जंगल हो नहीं सकते ज़्यादा, लेकिन फिर भी पेड़ पौधों का होना तो बहुत ज़रूरी है. या जहाँ पर भी एरिया मिले, सड़क के किनारे, ओपन एरियाज में, पार्क्स में, जहाँ भी पॉसिबिलिटी हो वहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, पेड़ उगाएंगे. और रूरल एरियाज़ यानी गांव में कम्युनिटी या फिर फॉरेस्ट्री वहाँ पे तो आराम से हो सकती है, क्योंकि कई गांव जो है जंगलों के आसपास ही बसे हुए हैं. सच प्रोग्राम्स आर कैरिड आउट टू प्रमोट एफॉरेस्टेशन, यानी कि नए पेड़ लगाना बहुत सारे नंबर में. ऑलराइट, अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पशु पक्षियों को कैसे भूल सकते हैं, इसीलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. ये जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं ये हमारी फूड चेन को भी संतुलित रखते हैं और साथ ही में प्रकृति को बैलेंस नहीं बिगड़ने देते, तो इनका भी होना उतना ही ज़रूरी है. वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल, वेलबींग एंड प्रॉस्पैरिटी. इन रूरल एरियाज़ रियरिंग एनिमल्स इज़ अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन. गाँव वगैरह में जो है लोग जो हैं कई सारे जीव जंतुओं को ही पालते हैं, उनका पोषण करते हैं ताकि उनसे ही इनकम जनरेट कर सकें. दे प्रोवाइड अस विद फूड, वूल, लेदर एंड मेडिसिंस. दीज एनिमल्स ऑल्सो सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो लार्ज एनिमल्स हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे घोड़ा, हाथी, ऊँट, ये सब ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ होते हैं. इनको हम बीस्ट्स ऑफ बर्डन बोलते हैं.
especially in remote regions. Moreover, wildlife plays a critical role in maintaining the food chain and ensuring ecological balance or stability. ठीक है. However, illegal hunting known as poaching, यानी जब गैर कानूनी तौर से छुप छुप कर किसी जानवर को हंट किया जाता है, that is called poaching. All right. तो वो किया जा रहा है. This has put several animal species at the risk of extinctions. यानी ये जो जानवर हैं ये लुप्त होते जा रहे हैं, इनकी प्रजाति ख़त्म होती जा रही है. To protect these animals, government has established national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves, जहाँ पे ये animals अपने आराम से, अपने आप, अपने वातावरण में आराम से जी सकते हैं, जिनको कोई तंग नहीं करेगा या जहाँ इनको कोई खतरा ना हो. Hemis National Park, situated in Ladakh, is largest national park of India with an area of 4,400 km. So this is another fact, है ना. हम में से कई लोगों को शायद ये पता ही नहीं था कि Hemis National Park इंडिया का सबसे बड़ा national park है. But I think now you know this, so you can proudly tell your friends about this. Okay? Some of the most notable ones, ऐसे ही कुछ important national parks और wildlife sanctuaries जो बहुत popular हैं. Jim Corbett Park, जहाँ पर शेरों को protection किया जाता है, यानी tigers को, ठीक है. Kelio Deo National Park in Rajasthan, Periyar Wildlife Sanctuary in Kerala, Chilka Lake in Odisha, Panchmarihi Biosphere Reserves in Madhya Pradesh and Manas Biosphere Reserve in Assam. ठीक है, ये अलग अलग कुछ national parks हैं. इसमें जैसे Corbett National Park है, Kaldeo National Park, ये राजस्थान में है. ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं चिल्का और पेरियार, और ये जो है आपके पंचमरही, ये बायोस्फीयर रिज़र्व है, मानस एक बायोस्फीयर रिज़र्व है. ठीक है, ये सब अलग अलग कंट्रीज़ के लोकेशंस पे स्थित है ताकि वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण हो सके. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेनटेन द फूड चेन. नाउ हेयर आर टू पिक्चर्स, वन इज़ Corbett नेशनल पार्क जो टाइगर्स के लिए है, और एक है रणथंभौर नेशनल पार्क. ये दोनों ही, रणथंभौर में तो खैर केसरी यानी सिंह को प्रोटेक्ट किया जाता है, हिरन को प्रोटेक्ट किया जाता है, और जो आपका Corbett नेशनल पार्क है वो स्पेशली फॉर टाइगर्स है. बाकी जीव जंतुओं को भी प्रोटेक्शन मिलता है, बट इट इज़ मोर फेमस फॉर टाइगर्स. ऑलराइट, नाउ दिस इज़ द पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है. और मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये है. ठीक है, दिस ऑल्सो इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बनाया गया है. ऑल राइट, नाउ सर्टन टर्म्स दैट वी केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर, लेट्स रिवाइज देम वन बाय वन वंस अगेन. ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मीन्स समथिंग हैविंग मेनी रिलेटेड पार्ट्स दैट फंक्शन टुगेदर एज अ होल. यानी एक चीज़, मतलब जिंदा वस्तु जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और जो एक साथ अलग अलग काम को परफॉर्म कर सकता है. बायोडाइवर्सिटी, ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन द एरिया अराउंड यू, यानी आपके आसपास डिफरेंट वैरायटी ऑफ जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी, इंसान, जो भी लोग हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से बोलेंगे. ठीक है, ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ यू विन फाइंड इन वन एरिया, यानी हमारे आसपास जितनी भी तरह तरह की प्रजातियाँ हैं, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, मनुष्य हो, किसी भी तरीके का कोई भी जीवित प्राणी, उसको हम बायोडाइवर्सिटी में ही कैटेगराइज करेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो मटीरियल या जो चीज़ें हमें नेचर की तरफ से मिली हैं. ऑल राइट, एफॉरेस्टेशन मीन्स छोटे छोटे पौधे लगाना बहुत ज़्यादा मात्रा में, ताकि हम पेड़ों को बचा सके और पर्यावरण की रक्षा कर सके. ऑलराइट, नाउ चिल्ड्रन लेट्स लुक ओवर व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर. क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज के चैप्टर में पढ़ा. आज हमने पढ़ा कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम. देन वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट एनवायरमेंट प्रोवाइड्स अस विद वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी फॉर अवर एग्जिस्टेंस. पब्लिक अवेयरनेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. लोग तभी कंजर्वेशन कर सकते हैं जब उन्हें जानकारी हो कि कंजर्व किस तरीके से करना है.
एफॉरेस्टेशन इज ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है बहुत सारे पेड़ों को काटना और एफॉरेस्टेशन का मतलब है बहुत सारे नए पेड़ लगाना. ऑल राइट, द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्वाइट वेल. और आप इनमें से जितना हो सके, थोड़ा बहुत भी हो सके तो भी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, मतलब फॉलो करने की कोशिश करेंगे. छोटी छोटे स्टेप्स लेने से हमारा वातावरण काफ़ी सुंदर बन सकता है. जैसे डस्टबिन्स को दो अलग अलग करना, कूड़े को अलग अलग तरीके से डालना, ठीक है, पेड़ लगाना, पेड़ों की देखभाल करना, ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द एक्सरसाइज वी हैव चूज द करेक्ट ऑप्शन. लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स आर ऑल्सो नोन एज बायोटिक एंड एबायोटिक. ऑलराइट, बायोटिक एंड एबायोटिक, एंड सिंस वी हैव टू टेक दिस, सो द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, नेक्स्ट सेकेंड वन, वी शुड प्रिवेंट कंस्ट्रक्शन इन डैश एरिया. वी शुड प्रिवेंट कंस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज. ठीक है, कोस्टल एरियाज में कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट थर्ड वन, रूरल फॉरेस्ट्री इंक्लूड एग्रोफॉरेस्ट्री एंड डैश फॉरेस्ट्री. ऑल राइट, रूरल फॉरेस्ट्री में एग्रो फॉरेस्ट्री आएगा और लो ग्रेड फॉरेस्ट्री भी आ जाएगा. ठीक है, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी उगाएंगे और बाकी चीज़ें भी, मतलब काफ़ी बड़े बड़े पेड़ भी उगाते हैं, तो हम इसमें जो है रूरल फॉरेस्ट्री को डाल देते हैं. क्लियर, एग्रो एंड रूरल फॉरेस्ट्री. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, सो लेट्स डू देम वन बाय वन. थ्रू केयरफुल डैश एंड डैश एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू केयरफुल plans and measures. All right, through careful plans and measures. अगर हम plans बनाए ठीक से और different kinds of measures लें तो फिर environment को easily बचाया जा सकता है. Second, a tree can observe up to 48 lbs. Okay, of carbon dioxide in one year. Next, third, composite pits help us to dispose of biodegradable garbage. यानी जो decompose हो सकते हैं, so biodegradable garbage. Clear? Fourth, dash are a vital to life on earth. है ना, क्या vital है? Wild life या फिर forest. आप फॉरेस्ट करो, क्योंकि फॉरेस्ट में ही ट्रीज और वाइल्ड लाइफ दोनों चीज़ें आ जाती हैं. सो फॉरेस्ट आर वाइटल टू लाइफ ऑन अर्थ. ऑल राइट, लास्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. ठीक है, या एनवायरमेंटल बैलेंस भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम मीन करते हैं. क्लियर, नाउ एक्सरसाइज नंबर सी, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, फिर देखना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं. सो लेट्स डू देम. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम. दिस इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट सेकेंड, एफॉरेस्टेशन इज सेम एज डिफॉरेस्टेशन. मतलब एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन सेम है? नो, दिस इज नॉट, दिस इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काट देना, लार्ज स्केल कटिंग. ठीक है, थर्ड, वी शुड बर्न वेस्ट एंड लीव्स इन ओपन. नो, हमें नहीं करना चाहिए, इससे पॉल्यूशन जो है वो फैलेगा. फोर्थ, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स. बिल्कुल, फॉरेस्ट जो है रोक लगाते हैं फ्लड्स में और सॉइल इरोजन होने में, क्योंकि उनकी जड़ें जो है मिट्टी को कसकर पकड़ लेती हैं. फिफ्थ, वाइल्ड लाइफ हेल्प्स टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी. वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट, सो वी विल राइट ट्रू. आई होप चिल्ड्रन दैट यू हैव डन ऑल द एक्सरसाइजेस. विद दिस वी कम टू एन एंड टू टुडेज सेशन, एंड
I hope that you have understood how we can save our environment, how we can conserve the different components of our environment. So with this we come to an end to this chapter also. Another chapter of your book is completed. I hope that the concepts are quite clear to you and you have done the exercises as well. I will meet you again soon with a new chapter of this book where we will learn another new concept. So, children, till then, bye-bye and take care. Have a wonderful day ahead.